असलाइकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ स्टूडेंट्स एज यू नो देट द चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ ऑफल्ट इज इन प्रोग्रेस नाउ इन यस्टरडे वी हैव डसड हारमोनज अदर देन सेक्स हार्मोन्स जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड थाइर ग्लैंड पैनक्रियाज एडल ग्डसटर यस्टरडे वी हैव हव द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थाइर ग्लैंड नाउ टुडेज टॉपिक इज़ पनक्रियाज एंड एडीनल गलैंड स्टूडेंटस पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो हैं ये एक्ट करता है एज एंड्राइन गलैंड एज वेल एज एन एग्जोक्राइन ग्लैंड ये इंडोक्राइन गलैंड भी एक्ट करता है एग्जोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है एज एग्जोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है पेनक्रियाज जो हैं ये बिलो द स्टामिक होता है इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो ये जो सिटामिक हैं स्टामक के नीचे पेनक्रियाज हैं बिलो सिटामक होता है ये पेनक्रियाज सेक्रेट करता है हारमोन जिसको एंसोलिन कहते हैं यानी जो पेनक्रियाज सेक्रेट करता है हारमोन इसको इंसुलिन कहते हैं जो फंक्शन ऑफ इंसुलिन हारमो इंसोलिन हारमोन का जो फंक्शन होता है काम होता है वो है तो लवर द ब्लड शुगर लेवल जो ब्लड शुगर लेवल होता है इसको लवर करना होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लवर करना होता है इस इंसुलिन का काम डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन हारमोन जब बॉडी में होता है तो इस डिज़ीज़ को डायबिटीज़ कहते हैं डायबिटीज़ डिजीज़ जो है, ये करेक्ट्राइज बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड जब ब्लड में आ, आ, शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या यूरिन में जो इंसुलिन हार्मोन है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर है इसको ये कंट्रोल करता है ये इंसुलिन हार्मोन इफ ड्यू टू सम रीज़न किसी वजह से अगर पेनक्रियाज नहीं प्रोड्यूस कर पाता है या सिक्रीट नहीं कर पाता है सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन ब्लड में तो शुगर लेवल जो हैं ब्लड में ये बढ़ जाता है जो हाई शुगर लेवल होता है ब्लड में इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ जाते हैं बॉडी पे एक इंसान की बॉडी में तो जिस पर्सन में हाई शुगर लेवल इन ब्लड में होता है इसको डायबिटीज़ कहते हैं या डायबिटिक कहते हैं डायबिटिक पर्सन जो हैं इनको डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि टेक लेस शुगर इन देयर डाइट कॉमन डिजीज़ जो हैं ये भी कंट्रोल होता है बाय कंट्रोलिंग डाइट रिड्यूसिंग वेट होता है डूइंग रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज या टेकिंग मेडिसन पर्सन हैविंग सीवियर डायबिटीज़ आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन जिनमें ज़्यादा ये सीवियर होता है इस प्रॉब्लम इस हार्मोन की तो इनको इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है तो इसी तरह नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड्स जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं या एड्रिनल्स एड्रिनल्स ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन में दो दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो लोकेट होते हैं ऑन द टॉप ऑफ टू किडनीज किडनीज़ के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स दो किडनीज के ऊपर एड्रिनल जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन ये भी एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एड्रिनलिन जो है इसको एड्रिनलिन एड्रिनलिन भी कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी में ये हमारी प्रिपेयर अवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस एमरजेंसी सिचुएशंस में ये बॉडी फंक्शन को प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन के लिए लाइक डेंजर फियर शॉक होगा या सरप्राइज़ होगा या एंगर होगा या एक्साइटमेंट होगा दिस एज जैसे जब हम फेस करते हैं किसी डेंजर सिचुएशन को से लाइक बीइंग चीज़ड बाय ए फिरोशस डॉग जब कोई ये कुत्ता किसी आदमी के पीछे पड़ जाता है तो जो एड्रिनल गलैंड हैं ये सेक्रेट करते हैं ज़्यादा एड्रिनल इन हारमोन ब्लड में ये जो एडरिनल इन हारमोोन स्पीडज़ अप हार्ट बीट को स्पीड अप कर देता है इनक्रीज ब्रीथिंग रेट रेज ब्लड शुगर एंड काज लिवर टू तो रिलीज मोर स्टोर ग्लूकोज इन टू ब्लड ये सारे के सारे एक्शन जो है ये एडरिनल हारमोन प्रोड्यूस करता है लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी वेरी वेरी क्विकली तो इस सूरत में ये एड्रिनल ग्लैंड्स काम करते हैं जितने भी सारे एक्शन हैं एड्रिनल हारमोनस ये प्रोड्यूस करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी वेरी वेरी क्विकली इसका काम होता है एमरजेंसी के दौरान तो ये एनर्जी हमें मदद देता है हम रन अवे कर सकते हैं हम बहुत तेजी से इस कुत्ते से हम नजात पा सकते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं तो इस तरीके से जो एड्रीनल हार्मोन्स हैं ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने में ताकि बॉडी को ज़्यादा एफिशिएंसी मिले एमरजेंसी के दौरान जो सिचुएशन वहाँ पे जब इस फेरोश डाग ने यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की है तो वहाँ पे इस एडरनल हारमोन ने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी वहाँ पे प्रोड्यूस की है इट इज़ आल्सो द एडरनल हार्मोन विच प्रपेयर्स अवर बॉडी टू फाइट एन एनिमी एक दुश्मन से फाइट के लिए भी ये हमें आ, फाइट के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है जैसे कि आ, बर्गलर इन आवर हाउस जब हाउस में डिकटी होती हैं चोरी होती हैं बाई प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लॉट ऑफ एड्रिनल हार्मोन जो है ये सेक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड्स जब इंसान एंग्री होता है या एक्साइटेड होता है जो रैपिड आउटपुट होता है एनर्जी का यही दस काज इट टू अस कूप दिस एक्सट्रीम इमोशनल सचुएशन जो कूप अप होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिज एड्रीनल हारमोनस एड्रीनल गलैंड जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्रेट करते हैं एनंदर हारमोन जिसको एल्डोसट एल्डोसिटोरून एल्डोसिटिरन हारमोन जो है ये सेक्रेट होता है एड्रीनल ग्लैंड से जो मेंटेन करता है कॉरेक्ट साल्ट बैलेंस इन द बलड जो ब्लड में ये साल्ट बैलेंस होते हैं ये कोरक्ट साल्ट बैलेंस मैंटेन करता है ये एल्डोसिटिर तो या एड्रिनल ग्लैंड जो हैं ये सेक्रेट करते हैं हारमोनस व्हेन दे रिसीव इंस्ट्रकशन फ्राम जब पिचरी ग्लैंड इनको इंस्ट्रक्शन दे देता है थ्रो इट्स हारमोनस तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पेनिक्रियाज जो जो एड्रीनल गलैंडस हैं इनके फंक्शन के बारे में आपने थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी हासिल की होगी दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़